प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेज में पुनः स्वागत करता हूँ आपका। आज अपन बात करेंगे राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों की। तीसरी क्लास चल रही है और इसमें अपन बात करेंगे केसरी सिंह बारठ की। देखिए, केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह है बारठ। केसरी सिंह बारठ की बात करें, 1872 से 1941, 1872 से 1941 कौन है? केसरी सिंह बारठ। जन्म है शाहपुरा भीलवाड़ा में। जन्म शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर, जन्म शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर हुआ इनका। शिक्षा इन्होंने बनारस के पंडित गोपीनाथ शास्त्री के निर्देशन में प्राप्त शिक्षा प्राप्त करी बनारस के पंडित गोपीनाथ से। गुरु ये है मेजिनी। गुरु का नाम मेजिनी। डिंगल भाषा के कवि थे। डिंगल भाषा के कवि थे ये। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखेंगे ग्रंथ इनका जो है, ये देखिए ग्रंथ कौन कौन से महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, ग्रंथ देखेंगे। तो ग्रंथों में अपन बात करें तो कौन कौन से, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, प्रताप चरित्र, दुर्गादास चरित्र, ये इनकी पुस्तकों में है। रूठी रानी, जसवंत चरित्र, रूठी रानी, रूठी रानी, जसवंत चरित्र, रूठी रानी है, जसवंत चरित्र है, राज सिंह चरित्र है, कुसुमांजलि है, राज सिंह चरित्र है, कुसुमांजलि है, कुसुमांजलि ये इनकी पुस्तक है। कवि श्यामल दास की जीवनी लिखी, कवि श्यामल दास है, कवि श्यामल श्यामल दास की जीवनी इन्होंने लिखी। ये इनकी कुछ पुस्तकें हैं। और बुद्ध घोष की बुद्ध चरित्र, बुद्ध बुद्ध बौद्ध ग्रंथ है। बुद्ध घोष है इस इनकी जो पुस्तक है, अश्व घोष की बुद्ध घोष, अश्व बुद्ध चरित्र, सॉरी अश्व घोष की बुद्ध चरित्र का हिंदी में अनुवाद, हिंदी में अनुवाद किया इन्होंने, ये काम भी किया इन्होंने। 1903 के अंदर फतेह सिंह, 1903 के अंदर उदयपुर के शासक फतेह सिंह, राणा फतेह सिंह, उदयपुर के शासक फतेह सिंह लाड़ करजन द्वारा, फतेह सिंह लाड़ करजन द्वारा आयोजित एडवर्ड सप्तम, फतेह सिंह लाड़ करजन द्वारा आयोजित एडवर्ड इंग्लैंड का राजा एडवर्ड सप्तम के सम्मान में अंग्रेजी राजा एडवर्ड सप्तम के सम्मान में दिल्ली दरबार
आयोजन किया और यहाँ पर किसको बुलाया गया था? फतेह सिंह को बुलाया गया था, ठीक है। फतेह सिंह को इस दरबार में बुलाया गया था। यहाँ पर केसरी सिंह ने इसकी निंदा करी। केसरी सिंह ने केसरी सिंह ने अपने 13 सोरठे अपने 13 सोरठे सोरठे जो डिंगल भाषा में लिखे हुए थे, जिन्हें कहा जाता है चेतावनी चेतावनी राजचुंगटिया, चेतावनी राजचुंगटिया के माध्यम से दिल्ली जाने से फतेह सिंह को रोका। फतेह सिंह को क्या किया? रोका दिल्ली दरबार में जाने से। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए, आसिया को दिल्ली दरबार में जाने से इन्होंने इनको रोका। केसरी सिंह ने अपने भाई जोरावर, यहां पर देखिए अपने भाई, इन्होंने अपने भाई जोरावर सिंह बारठ को अपने भाई जोरावर सिंह बारठ वह पुत्र प्रताप पुत्र प्रताप सिंह बारठ वह दामाद ईश्वरदान को रास बिहारी के पास भेजा, को रास बिहारी के पास भेजा। इनको क्रांतिकारी रूप में दीक्षित करने के लिए भेज दिया। किसके पास भेजा? रास बिहारी के पास इनको भेज दिया गया। नेक्स्ट है रास बिहारी बोस है, इनका कथन है। रास बिहारी का कथन है किसके बारे में? केसरी सिंह बारठ के बारे में, केसरी सिंह बारठ के बारे में। देखिए बोस ने बोस के सहायक, वैसे बोस के सहायक अमीर चंद के पास में भेजा था, अमीर चंद के पास बोस के सहायक अमीर चंद के पास भेजा था, ठीक है। अमीर चंद या अमीर चंद एक ही बात है। प्रशिक्षण देने के लिए, क्रांतिकारी प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए इनको भेजा गया था। और रास बिहारी बोस ने इनके बारे में कथन कहा कि भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह, भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह ही एक ऐसा क्रांतिकारी है, ही एक ऐसा क्रांतिकारी है ही ऐसा क्रांतिकारी है जिन्होंने जिन्होंने भारत माता की दास्ता को काटने के लिए भारत माता की दास्ता को काटने के लिए समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया, स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया, ये इनका कथन है सर। किसके बारे में है? केसरी सिंह बारठ के बारे में कह कौन रहा है? रास बिहारी बोस कह रहा है कि पूरे के पूरे परिवार को किसमें झोंक दिया? स्वतंत्रता की के लिए युद्ध में इन्होंने झोंक दिया। एक बार देखें केसरी सिंह बारठ की अपन बात करें, 1872 से 1941 शाहपुरा भीलवाड़ा में जन्म हुआ। शिक्षा बनारस के गोपीनाथ
से प्राप्त कवि गुरु मेजिनी है, डिंगल भाषा के कवि, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इनकी जो रचनाएं हैं बहुत बढ़िया रचनाएं हैं, सारी की सारी रचनाएं आपको ध्यान में रखना है। प्रताप चरित्र, दुर्गा दास चरित्र, रूठी रानी, जसवंत चरित्र, राज सिंह चरित्र, कुसुमांजलि, कवि श्यामल दास की जीवनी, और अश्व घोष की बुद्ध चरित्र का हिंदी में क्या किया, अनुवाद किया। 1903 के अंदर उदयपुर के शासक हैं, फतेह सी है, इनको लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिल्ली के अंदर एक दरबार का आयोजन किया गया था, किसके सम्मान में, इंग्लैंड का शासक है एडवर्ड सप्तम के सम्मान में ये आयोजन किया गया था, और इस आयोजन में उदयपुर के शासक फतेह सिंह को बुलाया गया था। यहाँ पर केसरी सिंह बारठ ने फतेह सिंह को चेतावनी राजचुंगटिया नामक सोरठे के माध्यम से यहाँ जाने से रोका। ये सोरठा कितना कितने सोरठे हैं, ये 13 सोरठे हैं, कौन सी भाषा में, डिंगल भाषा में। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। सोरठे कितने, 13, भाषा कौन सी, डिंगल, नाम क्या है, चेतावनी रा चुंगटिया, यानी इस चेतावनी रे चुंगटिया का मतलब हो गया चेतावनी का चुटका, दिल्ली दरबार में जाने से इसको रोका। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अपने भाई जोरावर सिंह को, पुत्र प्रताप सिंह को, अपना दामाद जिसका नाम है ईश्वरदास, इनको किसके पास में भेजा, रास बिहारी बोस का सेवक है या सहायक है जिसका नाम है अमीर चंद या अमी चंद के पास में भेजा, क्रांतिकारी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। रास बिहारी बोस ने इनके बारे में कहा है, केसरी सिंह बारठ के बारे में, कि भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह का ऐसा क्रांतिकारी है जिन्होंने भारत माता की दासता को काटने के लिए अपने परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। ये कथन किसका ऐसा है, रास बिहारी बोस का है, किसके लिए, केसरी सिंह बारठ के लिए। आगे देखें, देखिए ये कथन कि दास्ता को काटने के लिए पूरे परिवार को झोंक दिया इन्होंने, ये जो कथन है एक किसका है, रास बिहारी बोस का, किसके संदर्भ में है, केसरी सिंह बारठ के संदर्भ में। केसरी सिंह को साधु प्यारेलाल हत्याकांड में, केसरी सिंह को इन्हें साधु प्यारेलाल हत्या कांड में, प्यारेलाल हत्याकांड में इनको साधु प्यारेलाल हत्याकांड के अंदर कारावास की सजा होती है। साधु प्यारेलाल हत्याकांड में 1914 में 20 वर्ष की सजा हुई, 1914 में 20 वर्ष की सजा, जेल कहाँ है, बिहार की हजारी बाग जेल में। देखिए इससे पहले अपन ने अर्जुनाल सेट्टी पढ़ा है, और अर्जुनाल सेट्टी है इनको अपन ने कौन सी जेल में भेजा था, इनको भेजा था अपन ने वेलूर जेल में, और इनको कहां पर भेज रहे हैं, बिहार की हजारीबाग जेल में। तो दोनों की जेल है ये ध्यान में रखनी है आपको। जेल अधीक्षक कर्नल मीक की कृपा से, यहां पर जेल अधीक्षक कौन है, जेल अधीक्षक है, अधीक्षक कर्नल मीक किसकी कृपा से, समय से पूर्व है इनको छोड़ दिया जाता है, आदि अवधि में इसको छोड़ दिया जाता है, और शेष जीवन है यह है कोटा में व्यतीत करते हैं, शेष जीवन कोटा में क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं, अपना शेष जीवन कहां पर व्यतीत करते हैं, कोटा में व्यतीत करते हैं, और यहीं पर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये बात थी किसके बारे में, केसरी सिंह बारठ के बारे में। इसके बाद में अपन बात करते हैं जोरावर सिंह बारठ, जोरावर सी है बारठ, देखिए जोरावर सिंह बारठ है 1883 से 1939, 1883 से 1939 कौन है साहब, जोरावर सिंह बारठ है, जन्म है उदयपुर, जन्म हुआ इनका उदयपुर, जन्म है उदयपुर, जन्म उदयपुर में हुआ इनका, और केसरी सिंह के भाई थे, अभी अपन ने बात करी है केसरी सिंह के भाई थे, और प्रताप सिंह
जो था बार्ट, ये इनके चाचा थे, प्रताप सिंह के चाचा थे। अभी अपन ने बात करी इनकी, विवाह इनका कोटा, विवाह जो इनका हुआ, विवाह विवाह है कोटा, कोटा का एक ठिकाना है, कोटा का ठिकाना अतरालिया ठिकाना, कोटा का अतरालिया ठिकाना, कोटा का अतरालिया ठिकाना कोई विशेष बात नहीं, कोटा का अतरालिया ठिकाना इसके तखत सिंह है, तखत सिंह की पुत्री, और इस पुत्री का जो नाम है ये है अनोप कंवर। क्या नाम है? अनोप कंवर। इसके साथ में क्या हुआ? इनका विवाह हुआ साहब, ठीक है, इसके साथ में इसका विवाह हो गया दिल्ली के चांदनी चौक, दिल्ली के चांदनी चौक, दिल्ली के चांदनी चौक, दिल्ली के चांदनी चौक में 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस में, 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर बम फेंका, जुलूस पर बम फेंका इन्होंने। नेक्स्ट है, 27 वर्ष जुलूस पर बम फेंका, 27 वर्ष तक ये अमरदास बैरागी के नाम से भूमिगत रहे, अमरदास बैरागी के नाम से भूमिगत रहे और अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए, इसलिए इनका उपनाम है राजस्थान का चंद्रशेखर, इसलिए इन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर कहा जाता है, राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है। देखिए केसरी सिंह बारठ की अपन बात करें तो केसरी सिंह बारठ से इससे पहले जो महत्वपूर्ण बातें थी वो अपन ने पढ़ी। इनको साधु प्यारेलाल हत्याकांड के तहत 1914 में 20 वर्ष की सजा हुई और इनको कहां जेल में रखा गया? हजारीबाग के जेल में रखा गया। अधीक्षक कर्नल मीक की कृपा से इनको अवधि पूर्व ही यहाँ से छोड़ दिया गया था। शेष जीवन इनका कहां पर व्यतीत हुआ? कोटा में। इसके बाद में इनके भाई हैं केसरी सिंह के भाई जोरावर सिंह बारठ, इनके बारे में बात करें, उदयपुर में जन्म हुआ, विवाह इनका कोटा के अतरालिया ठिकाने के तखत सिंह की पुत्री अनोप से इनका विवाह हुआ और दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंकने का इनको कार्य सौंपा गया था। दिल्ली के बम कांड में ये शरीक थे। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर इन्होंने बम फेंका था और यहाँ से भाग के आते हैं, राजस्थान आ जाते हैं और अमरदास वैरागी के नाम से वेश बदल करके रहते हैं और भूमिगत रहे, अंग्रेजों के हाथ में नहीं लगे ये, और इसी कारण इनको क्या कहा जाता है? राजस्थान का चंद्रशेखर इन्हें कहा जाता है। तो ये बात थी आपकी केसरी सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ के संदर्भ में। इसके बाद में नेक्स्ट अपन क्लास में जो है अपन ने केसरी सिंह बारठ पढ़ा, जोरावर सिंह बारठ पढ़ा, अब अपन बात करेंगे प्रताप सिंह बारठ के संदर्भ में नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद मित्रों।